आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका मैं बहुत आदर करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत पर अब देश भरोसा नहीं करता। 2014 में जब देश ने भरोसा किया था तो उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। 2014 में इन्होंने क्या कहा था कि साल में हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, तो फिर हम इंटर्नशिप वाली बात पर कैसे भरोसा कर लें जो इस बार निर्मला सीतारमन जी ने कहा है। जब आपने साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात कही और उस योजना को आज तक आप फलीभूत नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए, 10 बरस की सरकार में 20 करोड़ युवाओं को इनके कथनानुसार, जो पार्लियामेंट में इन्होंने कहा था, जो चुनावी जनसभाओं में कहा था, जो उन्होंने अपनी बैठकों में कहा था, भारत के युवाओं को भरोसा दिया था। उत्तर प्रदेश और देश में 6 लाख से ऊपर ग्राम सभाएं, 58,384 ग्राम सभाएं हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में 6 लाख से ऊपर ग्राम सभाएं। अगर प्रति वर्ष इन्होंने प्रति गांव से 1-1 लाख, 1-1 युवा को भी नौकरी दिया होता इन लोगों ने, तो 60 लाख से ऊपर युवाओं को नौकरी मिली होती। आज केंद्र सरकार के पास जो उनके अधीन विभाग हैं उसमें 2 करोड़ 14 लाख से ऊपर सरकारी विभागों में पद खाली हैं। पहले सेना में खुली भर्ती होती थी, जनपद जनपद स्तर पर खुली भर्तियां होती थी सेना की। आज सेना की भर्तियां कहीं पर नहीं दिखाई दे रही है, कहीं पर भी सेना की भर्ती नहीं हो रही। और इन्होंने तो जो अग्निवीर योजना लेकर के आया है उससे हमारी सेना की जो एक ढांचा हुआ करता था, विश्व में लोहा मानते थे हमारी सेना का, उस सेना को कमजोर